दोस्तों ये रही हमारी इलेक्ट्रिक वाटर बाथ। ये हॉट और कोल्ड दोनों कार्य करती है। ये मेरा पूरा कंट्रोलर है, तो मैंने ये यूनिट से निकाल लिया। यूनिट में भी आपको दिखाता हूं, मैं इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। ये मेरा डिस्प्ले है दोस्तों, और ये मेरा यहाँ ये हीटर है, और ये वाटर पंप है, ये थर्मोकपल है जिसे PT100 बोलते हैं। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ वाटर इनलेट और आउटलेट है। तो यहाँ और इसकी ये वाली भी देख लीजिए इधर से, ये यहाँ इसकी हम पावर, यहाँ हम इसमें पावर सप्लाई लगाते हैं। और ये मेरे कंप्यूटर डिस्प्ले, ये पूरे यहाँ डाटा केबल लगते हैं। और हम इसको कहाँ लगाते हैं वो इसकी हम बड़ी यूनिट भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये इसकी बड़ी यूनिट है, ये अंदर एक बार देख लीजिए। इसमें यहाँ ये देखिए, ये कोल्ड करता है, और कोल्ड करने के बाद यहाँ ये इसको हॉट करता है। ये दोस्तों जो ये हमारी इलेक्ट्रिक वाटर बाथ है, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पर ही हम इसको कोल्ड और हॉट सेटिंग करते हैं। जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है वही प्रोग्राम हम डालते हैं, कितना हमें हॉट करना है, कितना हमें कूल करना है, तब हम अपनी मशीन पर सैंपल टेस्ट करते हैं। ये मैंने भी निकाली हुई है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैं वीडियो को दो पार्ट में डालूंगा। मैं इसकी फुल रिपेयर आपको बताऊंगा और यूनिट को चला के भी दिखाऊंगा कि यूनिट कैसे वर्क करती है। तो पूरी रिपेयर इसकी कंट्रोलर की मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।